वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रोजी अली। भारत यूं तो कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे जानने और समझने के लिए दुनिया भर से लोग यहां उमड़ते हैं। लेकिन हम दावे से कह सकते हैं, आज हम आपको भारत के जिन रहस्यों से रूबरू करवाएंगे, उन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये रहस्य ही कुछ ऐसे हैं। कहीं पर बिच्छू वाले बाबा की दरगाह है, जहाँ पर बिच्छू किसी को नहीं काटते हैं, तो कहीं पर पत्थर सुनाते हैं भक्ति में संगीत, तो कहीं पर भगवान शिव को खुद फूल अर्पित करने चले आते हैं नाग देवता। जी हाँ, ये सब हमारे ही भारत में होता है। तो चलिए आपको भारत के इन्हीं धार्मिक स्थानों से रूबरू करवाते हैं, जहाँ पर ये रहस्य देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में आज दिन तक कोई भी ये नहीं बता सका कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि लोगों ने ये जानने और समझने की बेहद कोशिश की है। हमारा देश किस्से कहानियों का देश है। हर काल युग की सैकड़ों कहानियां हमने अपने दादा दादी, नाना नानी, पापा माँ और रिश्तेदारों से सुनी है। कुछ रहस्य में किस्से और कहानी आज भी हमारे जहन में सालों तक जिंदा हैं। धार्मिक स्थलों से जुड़ी वो हैरान कर देने वाली कहानियां हमें इसीलिए याद हैं, क्योंकि कुछ में कुछ सच्चाई छुपी हुई है, जिन पर यकीन करना तो मुश्किल है लेकिन हकीकत है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 13वीं सदी के सूफी संत सैयद हुसैन सरफुद्दीन शाह विलायत नकवी की मज़ार मौजूद है। माना जाता है कि वो उत्तर भारत के पहले उर्दू कवि थे। उनकी मज़ार के पास कई जहरीले बिच्छू रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक मज़ार पर आने वाले किसी भी अनुयायी, भक्त और जायरीन को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जी हाँ, बिच्छू तुरंत डंक मार देता है, लेकिन इस दरगाह पर आते ही ये बिच्छू आपको बिल्कुल शांत मिलेंगे। आप इन्हें हाथों में खिला सकते हैं। इस वीडियो में आप ये नज़ारा साफ तौर पर देख भी सकते हैं। श्रद्धालुओं को एक निश्चित समय के लिए इन बिच्छुओं को घर ले जाने की भी इजाज़त है, लेकिन वापस उन्हें इसी दरगाह पर इन बिच्छुओं को छोड़ना होता है। इस मज़ार पर आप इस हकीकत को साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन आज दिन तक किसी को ये नहीं पता चला कि इस दरगाह में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बिच्छू किसी को काटते नहीं हैं। यही वजह है कि इस दरगाह को बिच्छू वाले बाबा की दरगाह या मज़ार कहा जाता है। हम्पी में भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल जी का विशाल मंदिर है, 56 खंभों वाला। यह मंदिर पुरातन काल की शिल्पकला का एक जीता जागता खूबसूरत नमूना है। इसकी खूबसूरती से अलग एक जादुई बात इस मंदिर को बेहद खास बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मौजूद 56 खंभों पर अगर हल्की चोट की जाए तो संगीत की आवाज़ सुनाई देती है। इसके चलते इन्हें सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है। गुलाम भारत के दौरान जब अंग्रेजों को ये बात पता चली थी, तो उन्होंने 2 खंभों को काट कर भी देखा था, लेकिन उन्हें खंभे सिर्फ खाली और खोखले ही नजर आए। इन खंभों का अस्तित्व आज भी मौजूद है, आप इन्हें आज भी देख सकते हैं और इन खंभों से आने वाली आवाज को आप सुन और महसूस कर सकते हैं। पुणे में हजरत कमर अली दरवेश की एक चर्चित दरगाह है। हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतों के साथ वहां सदके के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक करिश्माई पत्थर है, जिसे एक बार में सिर्फ 11 लोग ही उठा सकते हैं। अगर 11 से ज्यादा या कम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो पत्थर नहीं उठता है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब 11 लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो उसका वजन बिल्कुल कम हो जाता है और उठाने वाले को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि उसने पत्थर उठाया है। ऐसा करते हुए श्रद्धालु एक ही आवाज में हजरत कमर अली दरवेश को याद करते हैं। रोजाना सैकड़ों लोग इस दरगाह पर पहुंचते हैं और इसे आजमाते हैं। इस दरगाह की खास बात यह भी है कि यहाँ 24 घंटे एक लैंप जलती रहती है, जो कि आज दिन तक नहीं बुझी है। इसका रहस्य भी आज दिन तक कोई नहीं जान सका है। देश भर में भगवान शिव के कई करिश्माई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुरनूल में मौजूद यंगदी मंदिर उनमें से बेहद खास है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि वहां मौजूद पत्थर के नंदी बैल का आकार साल दर साल बढ़ रहा है। इसके कारण मंदिर प्रशासन को वहां मौजूद एक खंभे को भी हटाना पड़ा है। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक पहले वो नंदी बैल की परिक्रमा करते थे, लेकिन बढ़ते आकार के कारण अब वो संभव नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता। तमिलनाडु के थेपरूमल नल्लूर स्थित शिव मंदिर में एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला है जिसने सभी को चौंका दिया है। साल 2010 में रोजाना आरती के दौरान मंदिर में मौजूद
पुजारी ने देखा कि एक कोबरा अपने मुंह से पेड़ की पत्ती तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार किया। इसके बाद से ये किस्सा आम लोगों की जुबान पर आ गया। ये सांप कहाँ से आया और इसने ऐसा क्यों किया किसी को नहीं पता, लेकिन भक्तों का विश्वास इस शिव मंदिर पर और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शिव जी के गले में तो हमेशा सांप देता है और यही सांप अब अपने शिव को फूल पत्ती अर्पित करने आता है, जो कि बेहद चौंकाने वाला है, जिसकी वजह से भक्तों की इस मंदिर को लेकर और भी ज्यादा आस्था बढ़ गई है। तमिलनाडु में मौजूद प्राचीन मंदिर अनंत पद्मनाभ स्वामी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। वहां एक रहस्य में बड़ा दरवाजा मौजूद है जिसको लेकर कहा जाता है कि सिंध साधु की गरुड़ मंत्र के जरिए इसे खोल सकता है। खैर, इस दरवाजे के पीछे का सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम। कुछ लोगों के मुताबिक दरवाजे के पीछे अरब सागर की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर सांप रहते हैं और कई सारा खजाना मौजूद है। इस मंदिर में कई सारे ऐसे दरवाजे हैं जिनको लेकर कई सारी कहानियाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से कुछ दरवाजों को खुलवाकर भी देखा गया है जिसमें कई सारा धन और खजाना मिला है। इसी मंदिर में एक 7वें नंबर का दरवाजा भी है जो अभी नहीं खोला गया है। इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दरवाजे को खोलने की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दरवाजे को खोल दिया जाता है तो कोई अनहोनी हो सकती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। इस मंदिर का ये दरवाजा हमेशा लोगों के लिए एक रहस्यमय दरवाजा बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर में कई सारा धन और खजाना छिपा हुआ है, जो कि इस 7वें दरवाजे में सबसे ज्यादा है। इसके पीछे क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी इसे खोलने के आदेश नहीं दिए हैं। तो देखा आपने भारत के धार्मिक स्थल किस तरह से अपने अंदर रहस्य समेटे हुए हैं, जो कि भक्तों की आस्था और भी ज्यादा अपने अंदर बढ़ा देते हैं। अगर आपको भी हालात सही होते ही यहाँ जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा और उन्हें देखकर जरूर आइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।